इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस फोर वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो ऑन द एक्सेस आर। अब जनाब देखें, बात ये होती है कि एक्स इंटरसेप्ट का फार्मूला होता है टू जी स्क्वायर माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट का होता है टू एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। और इशू क्या होता है कि देखो, टू जी बराबर एट के तो जी बराबर फोर के, टू एफ बराबर माइनस फोर के तो एफ बराबर माइनस टू के, और सी हो गया माइनस नाइन, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज इधर पुट कर देंगे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए टू जी स्क्वायर माइनस सी, तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव, जिसका रूट फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया। वाई इंटरसेप्ट कैसे आएगा, टू एफ स्क्वायर माइनस सी, एफ टू है माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस नाइन रूट थर्टीन टू, यानी टू रूट थर्टीन, एक्स इंटरसेप्ट टेन और वाई इंटरसेप्ट टू रूट थर्टीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालना है आपको, जो नाइन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेंटी फोर वाई माइनस वन ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू जीरो। सर्कमफ्रेंस होता है टू पाई आर अगर आर आ जाए। अब देखो, प्रॉब्लम ये है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, वन नहीं बल्कि नाइन है। पहले तो पूरी इक्वेशन को नाइन से डिवाइड करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी नाइन से, यहाँ भी नाइन से और यहाँ भी नाइन से। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स अपॉन थ्री माइनस एट वाई अपॉन थ्री माइनस वन ट्वेंटी फोर अपॉन नाइन इक्वल टू जीरो। फिर रेडियस कैसे निकलेगा भाई, ऐसे निकलेगा कि हमें पता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो जी, ये टू जी आपका होता है एक्स का क्वेश्चन, टू एफ होता है वाई का क्वेश्चन, पहले ये सब निकालेंगे फिर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लगाएंगे। तो खैर ये कैलकुलेशन तो कर लीजिएगा, ये बहुत दिन से हम करते आ रहे हैं कि रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर, ठीक है। टू जी हो गया माइनस फोर बाई थ्री, टू एफ हो गया माइनस एट बाई थ्री, यहाँ से आपका रेडियस आ जाएगा फोर। जब रेडियस फोर आ जाएगा तो सर्कमफ्रेंस होता है टू पाई आर, टू पाई से फोर को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा आपका एट पाई।